शुद्ध देसी किचन पे आज आप लोग रेसिपी बताने जा रहे हैं सिरखन कैसे बनते हैं। सिरखन को सबसे पहले आप घर में बनाने का है, घर में बनाएंगे तो दूध को अच्छे तरह से एक लीटर दूध लेके आइए, 10 से 15 मिनट उसको दूध को पका दीजिए, जरा होने थोड़ा ठंडा होने के बाद थोड़ा दही जमा दीजिए। दही जमने के बाद उसको मलमल के कपड़े में, कॉटन का एकदम कपड़ा बोलते हैं सफेद टाइप का, उसमें आप बांध के 4 से 5 घंटा लटका दीजिए, बांध के छान लीजिए उसको, उसका जो पानी है वो निकल जाएगा और मक्खन टाइप बन जाएगा ये। तो उसके बाद ये मक्खन देखिए बन गया है, इसके अंदर आप शक्कर जो है पाउडर उसको पीस लीजिएगा 100 ग्राम, केसर है उसमें ड्राई फ्रूट ऊपर से फ्लेवर के लिए डालेंगे, पिस्ता है, काजू है, बादाम है और इलायची का पाउडर है, उसमें आप अच्छी तरह से आप इलायची का पाउडर, थोड़ा सा पिस्ता अंदर डाल देंगे मिक्स करते समय, थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा काजू, जाफरान, शक्कर का पाउडर, इसको कम से कम 15 से 20 मिनट आपको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। हो गया 15 से 20 मिनट, मालूम पड़ जाएगा आपको कम से कम 15 से 20 मिनट उसको मिक्स करने में लगता है अच्छे से। तो सिरखन बन के रेडी है शुद्ध देसी किचन पे आप लोगों के लिए। तो शुद्ध देसी किचन पे देखिए सिरखन बन के आप लोगों के लिए रेडी है। ये रेसिपी बहुत स्वादिष्ट टेस्टी होता है। इसके ऊपर से आप ये पिस्ता का फ्लेवर डाल दीजिए, फिर हल्का सा बादाम डाल दीजिए, काजू। तो देखिए देखने में कितना मस्त स्वादिष्ट लग रहा है। तो घर पे बनाइए रेसिपी, अपने फैमिली को खिलाइए, एंजॉय करते रहिए। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिए और देखते रहिए शुद्ध देसी किचन।